नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि पेट में दर्द होने के 11 प्रमुख कारण और आसान घरेलू उपाय। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खान पान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पेट में अगर आप उसमें अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं डालेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, कई बार कब्ज के कारण, कई बार कोई गंभीर बीमारी से, तो कभी आंतों में विकार के कारण। ऐसे ही कुछ अन्य क्षणिक विकार पेट का दर्द का कारण बनते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे पेट दर्द का क्या कारण बनता है। दोस्तों, पथरी, गैस, अल्सर, कब्ज, पेट का वायरस, मासिक धर्म, ऐंठन, अमाशय में छेद, पित्ताशय की पथरी, लैक्टोज, सुनारु, गैस्ट्रोसोफेजिया, रिफ्लक्स बीमारी, लीवर में खराबी। पेट दर्द की समस्या यूं तो कारणों से हो सकती है, लेकिन अगर आपको पेट में दर्द स्थायी रूप से हो रहा है और आप काफ़ी समय से इससे परेशान हैं तो एक बार उपचार जरूर आजमा लीजिए। कल्याण में बताया गया है यह उपचार चमत्कारी साबित हुआ है। तो आइए जानें पेट दर्द के घरेलू उपाय। दोस्तों, गैस अजवाइन को पेट दर्द में बहुत विशेष औषधि के रूप में जाना जाता है। एक चम्मच अजवाइन लेकर उसको बारीक कूट लें और उसका चूर्ण बना लें। अजवाइन के इस चूर्ण को एक गिलास पानी में डालें। अब इसमें एक चुटकी नमक, एक चुटकी चीनी और एक ताजा नींबू का रस मिला लें। इससे घोल को चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब पेट में दर्द हो तो अजवाइन के इस पानी का सेवन करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।